अंकल, होनेस कंपनी के मशीन का कुछ डिटेल बताइए मेरे को। डिटेल तो क्या है, ऊपर का बॉटम क्रैंकशाफ्ट है ना, इसमें हाँ। बैरिंग आते हैं। किसमें? आप नीचे आइए, थोड़ा झुक के बताइए। हाँ, बैरिंग आते हैं इधर। हाँ, ये शाफ्ट में और ये शाफ्ट में भी बैरिंग आते हैं अंदर की साइड में। अच्छा, और ये ऊपर का शाफ्ट में तीन पीस बनाया हुआ है, नया सिस्टम। इसमें इजी होता है, इसमें इजी होता है। अच्छा, सपोर्ट को तीन तीन पीस में बांट दिया ना? दो पीस में बांटा है सपोर्ट, ये सपोर्ट दो पीस में बांटा है। अच्छा, और ये जो अपना क्रैंक आर्म है ना, ये भी दो पीस में बांटा है। ये दो पीस में बांट दिया। दो पीस में बांटा है। ओके, आगे आगे ये जैसे ये सेम है वही सेम है। अच्छा, आगे पिकम पिक का फॉर्मूला कुछ बताइए। पिकम पिक में ये सब, ये जो ये है ना सब, अपना पेटी का एडजस्टमेंट करने का, पेटी चलने का, लॉक सिस्टम चलने का है, ये सभी यहाँ का सिस्टम चलता है यहाँ। ओके, ये सभी लॉक का एडजस्टमेंट, ये मतलब पेटिंग की का मार का सिस्टम है इसके अंदर। इसमें इसमें थाली में नोक कितना होता है? थाली में दो नोक होता है। दो ये एक और दो, दो नोक होता है इसमें। ये दो, एक साइड में दो है, एक साइड में दो, दोनों साइड में मतलब दो, चार होता है। चार चार होता है। लेफ्ट राइट है वापस, लेफ्ट राइट वापस। ओके, बाकी बाकी अभी आगना सेंटर बॉक्स बता दो। बॉक्स कितना होता है इसमें? 4x4 है, 2x2, 4x4 है, चार पेटी का है। कितना बाई कितना? 4x4, 4x4, 4x4 मतलब है, मतलब अपन क्या हिंदी में 4x4 बोलेगा, दोनों हिंदी में 4x4। और ये सिस्टम है ना, ये यहाँ से ये पेटी उठाते हैं, चेंजिंग करते हैं पेटी को, चेंजिंग करते हैं ये बॉक्स को, चेंजिंग करें, और उधर का वो बॉक्स चेंजिंग करें। यहाँ ये लगा देने का, जैसे अपने डिजाइन मांगता है बॉक्स का वैसे लगा देने का, तो ये इधर से ये चेंजिंग करेगा। यहाँ से दो सिस्टम है, दो चार, इसमें चार डॉग आते हैं, दो ये डॉग दो है उधर का है पीछे वो, और ये डॉग लास्ट दो है इधर का, इधर का है, बस ये सिस्टम है वही चलता है। बाकी ये पिकम पिक का जो इधर से क्या फॉर्मूला है? ये अपना जो है ना, ये उसको अपना अपने को क्या है, उधर से अपने जैसे चलता है, ये मार छोड़ेगा ऐसा ऐसा, ये उठाएगा तो जो भी अब ये चैट नहीं किया है वो, इसके लिए तकलीफ है, ये आएगा उसको उठा लेगा ऐसा। कैसे उठाता है? ये आता है ऐसा, चैट नहीं किया है इसको, इसके लिए एक मिनट हो गए जो नहीं यहाँ से एडजस्ट करता है ना, यहाँ से ये ऐसा ऐसा होता है। इसका गरारी ये फिक्स है क्या पिक के लिए? ये गरारी फिक्स है क्या? ये फिक्स है, मगर इसके अंदर पिन भी रहता है, इसके आगे जितना पिक का गरारी डालेगा उसमें डालेगा उतना पिक मशीन में हो गया, जितना पिक लेगा होगा तो आएगा। ओके, स्टैंडर्ड है, ये भी ये उसको खोलने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है खोलने का है, उसको इसमें खोलने का। हाँ, ये खाली स्टैंडर्ड, इधर से पिक चेंज नहीं करना है, इधर से केवल इधर से करना है, तो ये सब पिक मिल जाए। ओके, इसे सिस्टम है, चाहे ये पिक मिले यहाँ से चलेगा सीधा, इसके सिस्टम 120 तक से भी ज़्यादा चलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को होनेस कंपनी का आप लोगों को डिटेल बता रहा हूं कि ये न्यू मशीन चालू हो रहा है, इसके बारे में पूरा न्यू चालू हो रहा है, ये 4x4 का मशीन है, और आप देख लीजिए पूरा सेटिंग हो रहा है। इसके बारे में मैं एक एक पुर्जा के बारे में आपको बताऊँगा। बहुत ही सुपर मशीन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, पिकम पिक का ये मशीन है, ये बहुत ही बेस्ट चलता है। इसमें देखिए आपको बता रहा हूँ, ये सेंटर पंजा बीच में लगा हुआ है, ये पंजा है, यहाँ पे तीन, यहाँ पे सेंटर पंजा जो धागे ख़त्म होने के बाद ये बंद करता है, और ये 4x4 का मशीन है, इधर 4 बॉक्स 1 2 3 4, और आपको इधर देखिए अभी सेटिंग हो रहा है, ये 4x4 का पंजा है ये जो दिखा रहे हैं आपको, और ये देखिए उधर भी 4x4 का है मशीन,
आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल दूंगा। ये गुजरात का कंपनी है, ये गुजरात से मशीन आया हुआ है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी सुपर पिकम पिक में सबसे सुपर मशीन है। तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल देते जाऊंगा दोस्तों। आप इसके साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड लगाऊंगा। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड मेरे पास आया हुआ है, पड़ा हुआ है, मैं देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड है, ये देखिए हमारे पास ये लग रहा है 24 मशीन दो जैकार्ड पड़ा हुआ है टोटल यहाँ आकर के। देखिए ये सभी जैकार्ड है, अमर का जैकार्ड है। तो हम आपको होनेस्ट का लूम पे अमर का जैकार्ड इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड डाल रहा हूँ, इसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल दे रहा हूँ और एक एक पार्ट के बारे में मैं समझाऊँगा। समझते जाइए, इसके आगे मैं और एक वीडियो दूंगा, एक एक वीडियो एक एक पार्ट के लिए देते जाऊंगा। जब मशीन चालू होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।